माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू होने से दो दिन पहले ही भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 उतारकर मानव इतिहास की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महान उपलब्धि पर देश भर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है, साथ ही ये सदन भी गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा है। हम सब अपने सभी वैज्ञानिकों और विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे महान वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही भारत आकाश से भी ऊंची इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुआ है। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है। आज प्राचीन काल के हमारे वैज्ञानिकों बोधायन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, चरक आदि की आत्माएं प्रफुल्लित हो रही होंगी। हमारे लिए ये और भी गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 की सफलता में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रोहतक में बने नट बोल्ट और रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का प्रयोग किया गया है। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अंबाला की आरुषि सेठ, भिवानी के देवेश ओला और हिसार के यज्ञ मलिक ने सराहनीय योगदान दिया है। देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करते हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।